तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। अभी हम फुलवारी शरीफ जाने वाले रास्ते में हैं। ये रास्ता सीधा आपको पटना जंक्शन लेके चला जाएगा और इस रास्ते का कंडीशन आप देख सकते हैं। जो ये डाइवर्सन है, इसका जो पीला और काला जो रंग होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और हालांकि रास्ता तो सही है, लेकिन जो डाइवर्सन पे जो रेडियम होता है वो आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। अगर आप दिन में अगर आप चलते हैं तो आसानी से आप गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन अगर आप रात में अगर आप इस रोड पर सफ़र करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और रोड का भी हालत बस आप देख सकते हैं, ख़राब है, जगह जगह पर गड्ढा है। तो इन सब चीज़ों पर जो ये देखिए, यहाँ पर भी गड्ढा है, तो इन सब चीज़ों को जो है बिहार सरकार को जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सड़कों के ऊपर, क्योंकि सड़क सही नहीं रहने से सड़क पर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा जो है वो बना रहता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और आपका भाई हर जगह से हर वो तस्वीर आपको दिखाता है, हर वो चीज़ आपको दिखाता है, क्योंकि अगर सड़कों का हाल अगर सही ना रहे, सड़क अगर सही ना रहे, तो आपको अगर कहीं पर जाना हो तो आप जो है आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं और हमेशा जो है खतरा बना रहता है। फिलहाल आप रास्ते का आप देख सकते हैं, अभी छठ पूजा का दिन है तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा आपको जाम भी दिखेगा, क्योंकि लोग जो है आना जाना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस कारण से, और इधर आप जो देख सकते हैं मरकरी ये सब जो है ये लग चुका है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कबीर आपको इसका राइडिंग करके आपको दिखाएंगे। और फिलहाल आप अभी का सीन आप देख ही रहे हैं किस तरह का है। और इस डाइवर्सन में कहीं पर भी आपको रेडियम नहीं दिखेगा दी है, इसी के लिए मैं आपको इस रास्ते को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस रास्ते से आप जो है पटना जंक्शन जा सकते हैं, आप जो है आर ब्लॉक जा सकते हैं, आप जो है गया जा सकते हैं, जहानाबाद जा सकते हैं। तो हर जगह जाने के लिए रास्ता जो है काफ़ी बेस्ट है, लेकिन अगर इसका डाइवर्सन बन जाएगा तो ये रास्ता और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो है रोड के बादशाह कहे जाते हैं, हम लोग रोड पर ही सफ़र करते हैं। तो हमें जो है इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। और अभी हम गोलंबर के पास पहुंच चुके हैं, ये अनिसाबाद गोलंबर। और इधर जो ये गाड़ी टर्न हो रहा है, इधर से आप सीधे जो है निकल सकते हैं। और इस रास्ते में थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रक चलता है। और यहाँ से जहानाबाद 50 किलोमीटर, बख्तियारपुर 54, मोकामा 101, राजगीर 109, बोधगया 112 किलोमीटर है। तो आप इस रास्ते से जो है हर जगह जा सकते हैं। और आगे शायद कुछ पंडाल भी बन रहा है, तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और ये देखिए, ऐसे कभी भी कट नहीं लेना चाहिए, जी हाँ, हमेशा जो है संभल करके चले। और रास्ते का कंडीशन जो है जहाँ तहाँ खराब इसका है, मैं आपको लगातार दिखा भी रहा हूँ। देखिए जगह जगह पे ये रास्ता टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं जगह जगह पे, और इसका मरम्मत जो है काफ़ी समय से नहीं हुआ है। यहाँ देखिए बीच में किस तरह का गड्ढा है, ये देखिए, ये देखिए। और इधर आप पंडाल देख सकते हैं, सूर्य भगवान का आपको पंडाल शायद ये लग रहा है कि बन रहा है। देखिए रॉन्ग साइड में भैया आ गया तो जाम लग गया यहाँ पे। तो रॉन्ग साइड में कभी ना चलें, जी हाँ, इसका खास ध्यान रखें कि रॉन्ग साइड में जो है अपने गाड़ियों को जो है कभी ना चलाएं। और यहाँ पर भी आप एक पंडाल देख सकते हैं, ये शायद सूर्य भगवान का पंडाल बनाया जा रहा है, क्योंकि छठ पूजा आज नहा खाए है छठ पूजा का, तो मैं भी प्रसाद खाने ही जा रहा हूँ। हालांकि आप लोग भी प्रसाद खाने कहीं ना कहीं अपने घर में जरूर जाएंगे। और छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग जो है दूर दूर से अपने घर पहुँचते हैं और इस छठ उत्सव को मनाते हैं। फिलहाल अभी हम अनिसाबाद पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर भी एक बोर्ड दिख रहा है कहाँ कहाँ कितना डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर 75 किलोमीटर, बार 71 किलोमीटर, बेगूसराय 130, भागलपुर 241,
बेउड कारागार 1, बिहार शरीफ 76, गया 98। तो इसी ब्लॉग के साथ, इसी राइडिंग के साथ इस राइडिंग को एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे और किसी नए राइडिंग में। तब तक के लिए, और ये रास्ता सीधे आपको गया जहानाबाद निकल जाएंगे, तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नए राइडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने ट्रेवल विद दिलीप के साथ ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। जय हिंद।